हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सलमान खान का फार्म हाउस, जो बहुत ही खूबसूरत और आलीशान है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने में कंजूसी ना करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन के साथ में जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई पैसा नहीं लगता लेकिन इससे हमारा मनोबल जरूर बढ़ता है। और हाँ, अगर आपको फनी और नौटंकी भरी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल नौटंकी अड्डा को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो अब चलते हैं सलमान के आलीशान फार्म हाउस पर। दोस्तों, आपको बता दें कि सलमान का मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के फ्लैट के अलावा मुंबई के ही पास पनवेल में भी एक आलीशान फार्म हाउस है, जहां सलमान अपने सुकून के पल बिताते हैं और वहां की वीडियोस को अपने फैंस के साथ शेयर भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है सलमान के फार्म हाउस का एंट्री गेट। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सल्लू मियां अपनी बहन अर्पिता को बहुत प्यार करते हैं, और सलमान ने अपने इस फार्म हाउस का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है, अर्पिता फार्म्स। आपको बता दें कि सलमान खान का ये हरा भरा फार्म हाउस करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, सलमान को हॉर्स राइडिंग का भी काफी शौक है, और ऐसे में इन्होंने वहां घोड़े भी पाल रखे हैं ताकि अपने इस विशाल फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग का लुत्फ उठा सकें। सलमान को मोटर बाइक राइडिंग का भी काफी शौक है, और ऐसे में इन्होंने राइडिंग के लिए कई मोटर बाइक्स भी रखी हुई हैं और इसके लिए अलग से राइडिंग ट्रैक भी बना रखा है। आपको बता दें कि सलमान ने अपना 50वां जन्मदिन भी इसी फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया था, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शिरकत की थी और इन्हें इन्हीं मोटर बाइक से अंदर लाया गया था। सलमान के इस फार्म हाउस के स्विमिंग पूल की बात करें तो वो भी काफी बड़ा है, जिसका नजारा काफी खूबसूरत है। दोस्तों, सलमान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते हैं, और ऐसे में इन्होंने अपने इस फार्म हाउस में भगवान गणेश की एक खूबसूरत मूर्ति को भी स्थापित किया हुआ है। इसके अलावा सलमान का ये फार्म हाउस काफी हरा भरा है, और यहाँ काफी तरह के फ्रूट्स और सब्जियों के पेड़ पौधे भी लगे हैं। सलमान के इस फार्म हाउस में अलग से एक सिटिंग एरिया भी मौजूद है, जहाँ वो अक्सर अपना टी टाइम एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जिम लवर सलमान के इस फार्म हाउस में एक बड़ा सा जिम भी है, जहाँ सलमान रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा इस फार्म हाउस में सलमान के पालतू जानवरों के लिए एक फार्म एरिया भी मौजूद है। दोस्तों, वहीं अगर सलमान के इस आलीशान फार्म हाउस के इंटीरियर की बात करें तो वो भी कुछ कम लग्जरी नहीं है। इसका इंटीरियर काफी खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो काफी सुकून देता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन में सलमान, जैकलीन, यूलिया और कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ अपने फार्म हाउस पर ही थे, और इस दौरान सलमान ने जैकलीन के साथ तेरे बिना और ईद पर भाई भाई सॉन्ग रिलीज किया था। और आपको बता दें कि इन दोनों सॉन्ग्स को पूरी तरह से इनके फार्म हाउस पर ही शूट किया गया था। इन सॉन्ग्स के सारे व्यू सलमान के इसी फार्म हाउस के हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि मस्ती भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल नौटंकी अड्डा को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।